गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आगे फिर ब्रानक साहब ने कहा कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे जिसको निर्मल होई, और खुद कहते हैं कि आगे दर्जे हैं ओम शब्द है, सोम शब्द है और सत शब्द है। अरे वाह, वो सत शब्द। अब जैसे नानक साहब ने दो अक्षर का भेद बताया और वही गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। आपने आप समझ गए होंगे कि नानक साहब वो दो अक्षर कौन से थे। और ये खुद लिखते हैं ओम शब्द और सोम शब्द और सत शब्द। आगे कहते हैं ऊपर मिलेंगे सतलोक, मरे पाछे मिलेंगे उड़े भूत बने पाछे। रे थरा गजे वही। ये ज्ञान था इन राधा स्वामी जी के महापुरुषों का, सावण सिंह जी के। और सावण सिंह जी से के शिष्य थे बलोचिस्तानी सामस्ताना जी, जो सच्चा सौदा डेरा सिरसा के अंदर जिन्होंने स्थापना की, उन्हीं के अनुयायी श्री अब जो वर्तमान में संत बैठे हैं वो उस सच्चा सौदा वाले, वो भी सावण सिंह जी के से ही निकली हुई एक ब्रांच है। सतनाम सिंह जी थे वो, सतनाम सिंह जी के बाद अब ये गुरमीत सिंह जी तीसरी पीढ़ी चल रही है। और श्री जिससे ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा चला वो सावण सिंह जी के शिष्य थे। और सावण सिंह जी ने के डड़े डोरे रखे ये आपके सामने, एक का कुएं का पानी है ये सारा। राधा स्वामी धन धन सतगुरु या जगमालवाड़ी या सिरसा में जहाँ भी ये बखेर रखे हैं, या दिल्ली में दर्शन सिंह वाला, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही कुएं का पानी है। अब परमात्मा ने क्लियर करवा दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी कि कौन सा वो मंत्र है। लेकिन इस मंत्र के जाप की विधि है, और उस जाप की विधि भी पूर्ण संत से प्राप्त होगी तो ही ये काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अनाधिकारी से ये नाम अगर आपने किसी ने सुन भी लिया, किताबों में लिखा भी है, हमने पहले भी लिखा हुआ है, गहरी नजर गीता में संकेत दिया हुआ है, बुद्धिमान समाज है, समझ भी रहा है, इसलिए उभर उभर कर आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं उस नकली संतों को। तो अब क्या बताया जा रहा है कि एक छुड़ावे और एक लखावे। अये हय, नानक साहब कहते हैं एक छुड़ावे एक मिलावे लखावे। अब ये जो ओम शब्द की कमाई हम काल को दे देंगे, यू काल के जालते हमने छुड़वा देगा। और जो दूसरा अक्षर है उसकी कमाई हम परब्रह्म को देंगे, उसके 7 संग ब्रह्मंडों से हमने पार होना है। और जो एक अक्षर जो है वो एक अक्षर जो परमा जापे वो सारनाम, वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे और सतलोक चले जाएंगे। अब इसमें ये विधि बताई जा रही है, तिरकुटी मजा कहे सुरता वहां चारों ओर लखाव, शब्द गुरु वहां प्रगट होवे उस तय ब्या करवावे। अपनात्माओं, जैसे जब हम शरीर छोड़कर जाएंगे एक सौपन होगा, और जो वैसे मरते हैं जिन्होंने भक्ति नहीं कर रखी उनको यम के दूत कूट कर छेद कर डरा कर शरीर छुड़वाते हैं, और फिर बाँ पकड़ कर अथकड़ी ला कर उनको फिर ऊपर ले जाते हैं। और आप जी कैसे जाओगे, आपको जैसे सौपन होगा, सौपन सा होगा तो आप इन कमलों से होते हुए बिल्कुल बेरोक टोक त्रिकुटी पर पहुंच जाओगे। त्रिकुटी पर जाकर के एक, जैसे त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से सब देशों को जाने वाले जहाज वायुयान खड़े होते हैं, वहां से जाते हैं।
तो वहां जाकर के हम उस वायुयान में बैठेंगे जिसका हमने जाने का टारगेट बना रखा था, जिस लोक में जाने का। त्रिकुटी से ही ये सब भिन्न भिन्न होते हैं, जहां जहां भी जिसने जाना है, जहां की कमाई, जहां की टिकट वो ले रखी थी। इस त्रिकुटी पर जाकर के आपको क्या होगा, कहते हैं शब्द गुरु वहां प्रगट होवे उस तय ब्याह करवावे। विवाह करवाना माने पल्ला पकड़ लेना, यानी उससे दूर नहीं होना। जैसे तो उसके लिए कहते हैं कि वहां परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस दास के रूप में त्रिकुटी पर आपको दिखाई देगा। और पुण्यात्मा जैसा ही आपकी श्रद्धा भाव बनती जा रही है अपने गुरुदेव में, तो ये भाव आपका न्यू का न्यू बना रहेगा। और वहां जहां भी आपको दिखाई देगी गुरु जी वो बैठे, आप सौ काम छोड़ करते जरूरी कार्य भी उसको भी त्याग कर भाग्य जाओगे गुरु जी के पास, गुरु जी कैसे खड़े हैं यहां पर। तो कहते हैं त्रिकुटी में जाकर सुरता चारों ओर लखाव, लखाव माने देखे, बहुत ध्यान से देखे भाई। अब त्रिकुटी के ऊपर अपना वो, जैसे हम जाते हैं किसी भी स्टेशन पर या बस स्टैंड पर या एयरपोर्ट पर, तो हम अपने उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने आगे मिलना होता है। कहते त्रिकुटी पर जाकर सुरता चारों ओर लखावे और शब्द गुरु वहां प्रगट हुए फिर उस तय ब्याह करवावे। यानी आत्मा उस परमात्मा का जो शब्द रूप यानी अविनाशी रूप, वो परमात्मा गुरु जी के रूप में प्रगट होगा और नूरी रूप होकर, नूरी रूप गुरु का होकर तेरे आगे आगे जावे, फिर उसके पीछे पीछे हो लेना है अपने अपने गुरुदेव के साथ साथ। और फिर काल के सिर पर पैर रख करके, जहां 21वें ब्रह्मांड में ये काल बैठा है जहां पर कोई नहीं जा सकता, और इस सतनाम और सारनाम के सिमरण के सामने इस काल का नतमस्तक हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, और इसके पैर पे सिर रख के उस द्वार से पार कबीर परमेश्वर की आत्मा होती है, कबीर परमेश्वर का शिष्य होता है जिसको इसने काल ने रोका हुआ है, कोई नहीं जा सकता उधर। त्रिकुटी में जा कहे सुरता चारों ओर लखावे, शब्द गुरु फे वहां प्रगट होवे उस ते ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे, सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लडावे। यानी हमें पूर्ण सुख सभी प्यार परमात्मा का सतलोक में जाकर ही मिलेगा। जन्म मरण मिट जावे हे सुरता, वो आनंद काया तेरी, सच कहूं ना झूठ रति बुरी बात ले मेरी। सतलोक में जाकर सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सतनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे ही हम इस लोक ने छोड़कर राजी को ना, और ये तो छुट्टे भी का, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा, वो आपकी इच्छा आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है, लेकिन सतलोक अलख लोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है। अब जैसे इन अन्य पंथों वालों से हम चर्चा करते थे, समझाने की चेष्टा भी करते थे, फिर वो तो कति अनाड़ी हो गए, मानते ही नहीं। ये क्या कहा करते हैं राधा स्वामी वाले और धन धन सतगुरु वाले, इनके शिष्यों से बातचीत होती थी, कहते हमारे गुरु जी से कहते हैं हम तो वह सीधे त्रिकुटी पर जाते हैं, इसे नीचे का तो पिंड है और यो ब्रह्मंड है। और कहते हैं पहले ऋषिया ने इस बात का पता नहीं था त्रिकुटी का, जो क्यों बड़ी खोज करे बैठे थे, नो कहे त्रिकुटी, हम सीधे त्रिकुटी में जाते हैं
हम नीचे के कमलों का हमने कोई आवश्यकता नहीं। कमाल की बात कर दी। हम विदेश गए हुए हैं और विदेश में हमारे ऊपर बहुत प्रकार के कर्जे बन गए हैं, लोन बन गए हैं। जब तक हम उस देश के लोन को, कर्जे को या ऋण को नहीं चुका देंगे तो वहाँ से हमारे कागज़ क्लियर नहीं होंगे, हमारे पेपर क्लियर नहीं होंगे, हमें वापस नहीं आने दिया जाएगा। सबसे पहले हम इस काल के लोक में आकर के जो सतलोक से कमाई लेकर आए थे वो तो हमने सतयुग में ख़त्म कर दी, देव ब्रह्म लोक में ऊपर के लोकों में रहे बहुत दिनों तक। उसके बाद अब हम मजदूरी करते हैं, स्वर्ग में खायाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर हमने इन पांचों कमलों के अंदर से जाना होता है तो ये हमारा ऋण मुक्त ना होने से जाने नहीं देते। आपको जो प्रथम नाम दिए जाते हैं वो इन्हीं कमलों को खोलने के, ये ऋण मुक्त होने के दिए जाते हैं। और ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले महापुरुष कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हम नीचे में हमारा कोई लेन देन नहीं। ये तो बालक बुलाने वाली बात है। इन्होंने त्रिकुटी तो ऐसा मान रखा है जैसे बरवाड़े का बस स्टैंड हो, पैदल चला जाओ जो पहुंच जा। अरे बालका का खेल बना रखा है। इनके नाम देख लो, उस त्रिकुटी तक जाने वाले मंत्र भी कोई ना इनके पास, पता नहीं ऊट पटांग कहीं की ईट कहीं का रोड़ा बनाकर कोई काल मूर्ति सबल स्वरूपी राम सतपुरुख ये घर की गडली। ये वही दो मंत्र हैं, दो अक्षर का नाम है जिसमें एक ओम अक्षर है दूसरा गुप्त। वैसे तो क्लियर भी हो चुका है, बाकी कहने का भाव यह है कि ये केवल इसकी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, सिमरन की विधि केवल उपदेशी को बताई जाती है और मर्यादा में रहकर आप भक्ति करोगे तो आप पार होगे, अन्यथा नाम लेकर भी रह जाते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ने खजाना खोल दिया आपके समक्ष और अब भी हम पार नहीं हुए तो हमारे जैसा निर्भाग नहीं, फिर नहीं हमारा कभी दाव भी नहीं लगेगा। इसलिए परमात्मा कहते समझा है तो सर दर पाऊं बहोर नहीं रे, ऐसा दाव। अब ये दाव लग गया इसका लाभ उठाओ। बोलो सतगुरुदेव। करूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांदी जम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मनी आर, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सुमार। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं
अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना, तुमरे विसारे क्या बन मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा उनके हृदय न समाऊं, कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुखूं। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, जैसे कागज हाज का अब तक न दूजी ठोरी, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। एक वीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, हरि सुमरे सो रह गए गुरु सुमरे होए पार। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु कर सो हो। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारी, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खान, चार खानी में भ्रमता कबहू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जा, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओ है दुखी संसार में आगे यम के फंद, कबीर गुरु मानुष कर जानते कर चरणामृत को पान, ते नर नर के जावेंगे युग युग होए समान, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर
काल जाल में फंसी हुई हम आत्माओं के लिए अपने सतलोक से प्रस्थान करके और यहाँ इस काल के लोक में आते हैं कुछ समय के लिए, एक मनुष्य जैसा जीवन जीकर हमें ये उदाहरण देकर जाते हैं कि आप परमात्मा की प्राप्ति अपने दैनिक कार्य को करते हुए भी कर सकते हो। काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष, सतलोक, उस परम धाम, उस परमेश्वर की परम धाम तथा उस परमेश्वर की जानकारी, उसका ज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट कर रखा है। उसको पुनः स्थापित करने के लिए, सतलोक के बारे में बताने के लिए, जहाँ से हम आए हैं वहाँ ले जाने के लिए वो परमात्मा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष, कबीर जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में एक पूर्ण जीवन जी करके एक लीला करते हैं, उसमें अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते हैं और वो ज्ञान लिपिबद्ध करा करके परमात्मा सह शरीर चले जाते हैं। वो सह शरीर ही आते हैं, परमात्मा सह शरीर है, उनका शरीर तेजो में है, बहुत नूरी शरीर है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें बताया है कि परमात्मा पाने का तरीका है, सर्वप्रथम गुरु बनाना चाहिए। गुरु सतगुरु, यदि ये नकली गुरु ना होते, यदि ये नकली सतगुरु ना होते तो सतगुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। सतगुरु कहने की, सतगुरु इसलिए कहना पड़ा जो सच्चा गुरु हो। बाकी झूठे गुरु कौन कौन हैं जो अभी तक हमें ये नहीं बता सके कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, परमात्मा कैसा है, वास्तविक भगवान कौन है, जबकि हमारे सदग्रंथों में, हमारे पुराणों में, पुराणों में और वेदों में, गीता जी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का भी नाम लिखा है। इनकी सतीथि भी बताई है कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और आज तक हमें नहीं बता सके वो गुरु नहीं थे, वो झूठे गुरु थे, इसलिए सतगुरु कहा जाने लगा जो सच्चा ज्ञान थे, क्योंकि वो गुरु नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, इसलिए सतगुरु शब्द प्रयोग करना पड़ा। जैसे सत साहेब, साहेब माने परमात्मा, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, कुछ भी कहो। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि सत साहेब इसलिए कहना पड़ा कि अविनाशी परमात्मा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान कहलाते हैं, ब्रह्म भी भगवान कहलाता है और परब्रह्म भी भगवान कहलाता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, इसलिए सत साहेब यानी अविनाशी परमात्मा ही हमारा पूज्य देव है। तो सबसे पहले सतगुरु होना चाहिए। कई पुण्यात्माएं कहती हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम वैसे सीधा ही प्रभु का वचन कर लेंगे, नहीं, गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, ये नियम है ईश्वर का, परमात्मा का विधान है, उसका आदेश है, निर्देश, तो उसके आदेश का पालन करना भी हमारा परम कर्तव्य है। एक महात्मा जी हैं जो श्री राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी रहे हैं, अब तो शायद वो शरीर छोड़ गए हैं, उनका बहुत अधिक बोलबाला है कि बड़े महापुरुष हैं, वो कभी अपना चित्र भी नहीं उतरवाने देते और उनके प्रवचन आते थे टीवी पर तो केवल श्री कृष्ण जी का रथ
का चित्र ही आता था, श्री कृष्ण जी का चित्र आता था, वो अपना चित्र नहीं आने देते थे कि मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं। तो उनकी थ्योरी, उन्होंने थ्योरी बना रखी है, उनका इतिहास पढ़ा हमने। उन्होंने कहा कि तुम सीधे ही भगवान से कनेक्शन जोड़ो, बीच में गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, और उनके सिद्धांत को अपनाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। परमात्मा कहते हैं भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी पुण्य, कोई भी अनुष्ठान आप करते हो वह व्यर्थ है, और सद्गुरु के आदेश बिना यदि आप कोई नाम आदि का जाप भी करते हो, माला फेरते हो, वो व्यर्थ है। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। आप रामकृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि जो ये कहते थे कि गुरु की क्या आवश्यकता है, तो उन्हीं को समझाने के लिए कहते हैं कि आप जी श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते, उन्होंने भी गुरु बनाए, और वो भी गुरु के सामने गुरु शिष्य के समान ही रहे, जैसे टीचर के सामने विद्यार्थी होता है, सभ्यता से पेश आता है, करबद्ध खड़ा हो जाता है, सावधान रहता है, जो भी आज्ञा देते हैं श्रोधार्य होती है। कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी, तीन लोक के वे मालिक, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण बढ़तेवपुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। श्री राम कृष्ण तीन लोक के मुखिया हैं, यानी के मंत्री हैं, इन्होंने भी प्रथम गुरु की वंदना करके ही अपने सर्व कार्य निज कामों को किया। तो आप अपना हिसाब लगा लो आप कि क्या औकात है कि आप बिना परमात्मा गुरु बनाए भगवान प्राप्ति कर लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। समझदार को इतना ही संकेत बहुत होता है। तीन लोक सब राम जपत हैं, जन मुक्ति को धाम, श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो, तीनों सुनायो ओम नाम। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के भोली आत्माएं दशरथ पुत्र रामचंद्र जी को राम मान करके राम राम कर रहे हैं। परमात्मा ये बताने चाहते हैं कि श्री राम ने भी वशिष्ठ मुनि जी से उपदेश लिया, रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि जी ने ओम का नाम जाप करने को कहा, और तुम राम राम कर रहे हो, यह भूल पड़ी है। हमें हम राम राम जपने का नहीं है, ये तो परमात्मा की महिमात्मक शब्द है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब नानक साहेब वाहे गुरु किया करते थे, तो वाहे गुरु एक उस कबीर परमेश्वर की तरफ संकेत था उनका, क्योंकि उनको सतलोक में वो गुरु देखे, परमात्मा देखे थे, और वही फिर देखे यहाँ पर काशी में, तो तब कहा था वाहे गुरु, ओह वाहे गुरु, ये है वो भगवान वीर गुरु भी, दोनों ही रूप इसी के हैं। लेकिन ये वाहे गुरु कोई नाम जपने का नहीं है, जैसे राम कोई नाम जपने का नहीं है। वो नाम जैसे कल आपको बताया था, वो नाम है दो अक्षर का जो नानक जी जाप करते थे, लेकिन वो नाम किसी अन्य को बताने का श्री नानक जी को आदेश नहीं था, परमात्मा का आदेश था। इसलिए नानक जी स्वयं पार हो गए और अन्य को अपने अमृतमणि बना करके एफिडेविट दे करके, और इस समय के लिए वो अनमोल वाणी छोड़ गए। इसी प्रकार राम शब्द नहीं है। कहते हैं तुम जिसको राम मानते हो, उस राम ने वशिष्ठ मुनि से गुरु नाम लिया, उन्होंने उनको ओम का मंत्र दिया, तुम राम राम कर रहे हो। ओए एक न भूला दो न भूली, भूली सब संसारी। ओए परमात्मा कहते हैं सारे भूले पड़े, सब किसी ने देख ले, सब गलत साधनाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा गुरु होना चाहिए, अर्थात सतगुरु। सतगुरु कहेंगे क्योंकि गुरु नकली बहुत है। सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि जो सच्चा ज्ञान और
परमात्मा की पाने का जो तरीका है, वे ऑफ वर्शिप, वो पूजा का जो विधि है वो सही बताता है, सच्ची बताता है, तो वो सतगुरु कहलाता है। फिर बताते हैं कि सात सतगुरु के उपदेश का वही लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खान, चारों खानी में भरमते कभू ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा ने। आपने महावीर जैन, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ी सुनी। उस पुण्य आत्मा ने गुरु बनाया, कौन बनाया, अपने ही दादा श्री ऋषभ देव जी को, अर्थात ऋषभ देव जी द्वारा बताई गई साधना से श्री महावीर जैन जी के जीव को क्या लाभ और क्या हानि हुई। और वो भी गुरु कहलाते थे, क्योंकि गुरु ही मानकर उनसे उपदेश लिया और उन्होंने गुरु बनकर ही उपदेश दिया। पुण्यात्मा, ये कथाएं और ये सदग्रंथ सत्संग के अंदर जो आपको बताए सुनाए दिखाए जाते हैं, ये आपके हृदय में सच्चाई को जमाने के लिए, ये नाना प्रकार के भ्रमित ज्ञान से हटाकर एक एक स्थान पर जचाने के लिए, जमाने के लिए, टिकाने के लिए, ये रह रह कर सुनाए और समझाए जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वो सतगुरु के बिना उस पुण्यात्मा ने कितने कठिन प्रयत्न किए, कितनी अच्छी साधनाएं की, और फिर उसको क्या क्या परिणाम मिले, क्या क्या उनको लाभ हुआ, क्या हानि हुई, ये देखिएगा। श्री महावीर जैन जी का जीवन, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, अणोम हरिणन ताणम, ये इनके मंत्र हैं। नीचे देखियो, प्रवीण चंद जैन M.A. शास्त्री, इसने इसको लिखा है। और ये देखना ये कहाँ से प्रकाशित है, ये है, लेखक हैं आओ जैन धर्म को जाने, नीचे लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। और ये छपी कहाँ से है, मुद्रक है दिनेंद्र जैन, न्यू रसब ऑफसेट प्रिंट्स, ये मेरठ उत्तर प्रदेश मेरठ। यहाँ देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 294 से प्रारंभ करते, 93 से विशेष प्रकरण आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर जैन, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं, उत्तर, अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब देखें, यहाँ प्रश्न है श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये 294 पृष्ठ पे है। उत्तर, पुरोरा नामक भील की पर्याय यानी जीवन से। आगे है, पुरोरा भील कौन था और उसने क्या किया। उत्तर है, पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में भीलों का राजा था, उसने सागरसेन मुनिराज से मद मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन भर पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरोरा भील की पर्याय से कहाँ गया। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। प्रश्न, पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। भरत चक्रवर्ती की रानी। उत्तर है, भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत राजा ऋषभ जी के पुत्र थे।
राजा ऋषभ जी देव जी के पुत्र थे भरत, और भरत का पुत्र मारीची था। और ये जीव जो है पहले भील था, भील का भीलों की नगरी का राजा था। उसके बाद कोई साधना की किसी गुरु से बताए अनुसार, फिर वो स्वर्ग में देव बना, फिर वापस आकर के और राजा ऋषभ देव के पोते के रूप में जन्म हुआ। और राजा ऋषभ देव से मारीची नामक पुत्र, भरत से राजा ऋषभ देव का पुत्र भरत, भरत का पुत्र मारीची अर्थात राजा ऋषभ देव के पौत्र मारीची हुए। और राजा ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक अर्थात उस गुरु से नाम लेकर के मारीची वाली आत्मा ही आगे चल के महावीर जैन बने। और राजा ऋषभ देव गुरु धारण करके मारीची ने क्या क्या लाभ और हानि हुई, ये आपके समक्ष इन्हीं के द्वारा बताई हुई पेश कर की जाती हैं। देखिएगा, ये वही प्रश्न नंबर 294 यहाँ देखना नीचे। अच्छा, पहले श्लोक के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर है, भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर अयोध्या नगरी में, उसके बाद फिर कहाँ आया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली क्षत्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। जटिल के पर्याय से कहाँ गया? नीचे देखिए, उत्तर है, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग से निकल के श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, किस पर्याय में गया? उत्तर, इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, स्वर्ग में गया। स्वर्ग की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र की पर्याय से कहाँ श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? उत्तर, महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? यहाँ देखो, मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकल कर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो क्या गया, के बनी उसके संग में। अनेक जी, अनेक भाव धारण किए, अनेक शरीर धारण किए। क्या क्या? नंबर एक, 1000 आँख के वर्ष के भाव यानी जीवन, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 बार केल वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, 60,000 बार, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भाव, गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 60 करोड़ बार नपुसंक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90,00,000 बार धोबी के भाव शरीर, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60,00,000 बार गर्भपात के मरण, और 80,00,000 बार देव पर्याय को प्राप्त किया। हे पुण्यात्मा, देखिए, हे भगवान, हे परमात्मा, अब इन बातों से विचार आता है, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ओए होए, अब महावीर भगवान ने ऋषभ, राजा ऋषभ देव को गुरु बनाया, जो कि एक अलग से धर्म बना, उस धर्म के प्रवर्तक मुखिया हैं, और उनसे उपदेश लेकर के ये प्रथम शिष्य ही बने थे, प्रथम ही शिष्य थे
राजा ऋषभदेव के, और उसके जीव की क्या दुर्गति हुई, भक्ति की स्वर्ग गया फिर मनुष्य बना, फिर फिर स्वर्ग गया फिर मनुष्य बना फिर स्वर्ग गया, ये उस समय की हुए पुण्य के, और उसके साथ साथ उस दौरान जो पाप हुए वो फिर कट्ठे भोगने पड़े। क्या 1000 बार वर्ष के भाव, और आगे देखो ये भगवान 60,000 बार वैश्या, 5 करोड़ बार शिकारी, और भी और शिकारी बनकर जो पाप इकट्ठे करे वह भी भोगने पड़े, क्योंकि यहाँ जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति हमें नहीं मिलती, पूर्ण संत के से प्राप्त नहीं होती, तब तक हम दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों का फल भोगते हैं। जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है, ये इससे ये भी सिद्ध हो रहा है विधान कि जैसे कर्म प्राणी करता वह दोनों ही भोगते हैं, जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक यह बखेड़ा बना रहता है। 60 करोड़ बार शिकारी, 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता। ओए हो गधे और कुत्ते का तय एक का जन्म बतेरा कर्जा पाट दे जीव का, और ये कितने करोड़ बार है भगवान, 60 करोड़ बार तक गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुसंक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 करोड़ बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 20 करोड़ बार बिल्ली। ओह और 60 लाख बार गर्भपात के अंदर ही मरण है। ओह और केवल 80 लाख बार देव बना, 80 लाख बार जो पुण्य किए, धर्म किए, राजा बन के ये हवन किए, उनके आधार पर 80 लाख बार तो देवता बना, और फिर करोड़ों बार गधा, करोड़ों बार कुत्ता, उत्तरा गजब बिल्ली घोड़े, आगे क्या बना फिर देखना, महावीर भगवान आगे क्या बना, ये तो पहले भोग रहे हैं और आगे देखो क्या हुआ। ये भी आपने देखा 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, 60 करोड़ बार 60 लाख बार गर्भपात के मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया, उत्तर राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण के जीवन के बाद कहाँ गया महावीर जी भगवान का जीव, महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया ये नीचे देखिए, राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया प्रसन्न। विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, महाशुकर स्वर्ग में देव हुआ। महाशुकर स्वर्ग से कहाँ गया, नारायण नामक त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, और फिर त्रिपृष्ठ नारायण के से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, 7वें नरक में गया। ये नरक तो अभी रह ही रहा था बताना, 7वें नरक में गया, और फिर 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, यह सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। आगे देखो, प्रथम नरक से निकलकर भगवान महावीर का जीव कहाँ गया, हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहाँ पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया, सौद्रह स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। सिंह केतु का जीव किस पर्याय में गया, कनक प्रभ नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। कंकोजल आगे किस पर्याय में गया, 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 7वें स्वर्ग से श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया, अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव आगे किस पर्याय में गया, महाशुकर स्वर्ग में देव हुआ। महाशुकर स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया,
दातकी खंड की पूर्वी विदेह पूर्व विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडी किरणी किरणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुआ। प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती आगे किस पर्याय में गया? सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ। सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बूद्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। जय हो महावीर जैन की भगवान की। और फिर भी महावीर भगवान ये परमात्मा पुणात्माओं अब ये बताते हैं सतगुरु के उपदेश का, यानी सतगुरु से प्राप्त इस मंत्र से हमें क्या लाभ हुआ, अब हिसाब लगाना पड़ेगा। ये आत्मा विवश हो जाएगी सोचने के लिए। सतगुरु के उपदेश का, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगा पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। पुण्यात्माओं ये रहट का कुआ लोई या गड़बंजा है सब कोई। अरहट कुआ, अरहट कुआ नीचे से भरा ऊपर खाली, नीचे से भरा ऊपर खाली। पुण्य और पाप में, नरक में, स्वर्ग में, वहां अपने पुण्यों को खो खंडा कर बर्बाद करके और हम यहीं 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। अब क्या बताते हैं? सात समुद्र की मसीह करूं। उस सतगुरु पूर्ण संत से उपदेश मिलने के बाद मुझे जो बेनिफिट हुआ, जो लाभ हुआ, अब उसके अगर गुणगान करने लगूं, कहते हैं सात समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राए, धरती का कागज करूं तो भी गुरु गुण लिखो न जाए। एक कुत्ते के जीवन हिस्ट्री लिख कर देखो और फिर 30 करोड़ की लिख कर देखो, फिर 60 एक पर एक एक गधे का जीवन, 7 दिन में क्या क्या दिनचर्या है उसकी, क्या उसके साथ दुर्गति होती है, कभी अंधा हो, कभी टांग टूट जाए, कोई ना पूछे कि तक कौवे खा रहे हैं, गर्मी सर्दी में बाहर खड़ा है, दीवार के कमर साइड लगाए। तो पुण्यात्माओं कहते हैं सात समुद्र की मसी कर लूं, इनक बना लूं, स्याही बनाऊं और सभी वन के जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे, सब की कलम बना लूं। एक एक पेड़ में कितनी कलम बन जा, करोड़ों। और कहते हैं सब घिस जाए, सारे सातों समुद्रों की इंक हुआ भी समाप्त हो जावे, लेकिन सतगुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता, फिर भी शेष बच जावे। उसके लिए बताते हैं गुरु मानुष कर जानते। अब गुरु शब्द भी प्रयोग किया है, सतगुरु भी, क्योंकि गुरु वही है जो सच्चा ज्ञान दे। ये झूठे गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु का सतगुरु लगाना पड़ा गुरु के सामने, तो गुरु शब्द पर्याप्त है। तो क्या बताते हैं? गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंधी।
वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। अब जैसे परमात्मा बताते हैं कि भाई हम भी बार बार, ये दास भी आपको बताता है कि परमात्मा कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं, वो सतगुरु और एक दास की भूमिका भी पूर्ण रूप से वही निभाते हैं जो एक भक्त के गुण होते हैं, और वो सतगुरु भी वही होते हैं। फिर उन्होंने आगे जाकर ये शंका पैदा कर देते हैं काल के दूत के, कबीर जी ही आवे तो हम पार होएं। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना जो मेरा ये तत्व ज्ञान दे, क्योंकि ये ज्ञान किसी को नहीं देता भगवान। और जो उनके कृपा पात्र थे उनको मना कर गए थे कि अभी इस भंडारे को नहीं खोलना है, ये समय निर्धारित किया था प्रभु ने पहले ही कि ऐसे समय में इस खजाने को खोलेंगे जब हमारे बच्चे अक्सर ज्ञान युक्त हो जाएंगे सभी सभी धर्मों के, नहीं तो ये काल के दूत इन्हें लड़ा मारेंगे। अब सच्चाई सामने है, कोई नहीं बोल पाएगा आंखों देखकर सदग्रंथों को, ये अपनी तरफ से नहीं लिखा हमने, जैन धर्म का इतिहास वो खुद लिखे हुए, और वो दास पढ़कर सुना रहा है। आर्य समाज का इतिहास सत्यार प्रकाश में लिखा है, दास केवल पढ़कर सुना रहा है। सदग्रंथ वेदों का, वेदों में जो लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाया जा रहा है, और उनको मिला करके उनको डुप्लीकेट और ओरिजिनल दिखाया जा रहा है। और इसी से हम सतर्क होंगे, धोखे से बच पाएंगे, अपना जीवन बर्बाद न कर पाएंगे, हम सफल करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जो ये खजाना, जो मेरा तत्व ज्ञान जो संत बताएगा, वो मेरा पूर्ण रूप से कृपा पात्र होगा, और उसको मुझे ही जानना, मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, वो मेरा ही स्वरूप है। उसके लिए परमात्मा ने बहुत से प्रमाण भी करके दिखाए हैं। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओ मैं दुखी संसार में आग काल के फंदे। काल के फंद ये हैं, कभी अपनी ही कमाई से स्वर्ग में देवता बन गया, अपने ही पाप से गधा बन गया, बना रहे उसने तो बांध कर डाल दिया मैं, इसे इस काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते, काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते जब तक इस घेरे को तोड़ने वाला वो समर्थ ना मिले। गुरुजी भगवान नहीं होते, गुरुजी एक मीडिया होते हैं, मिडोकर होते हैं, बिचौलिया होते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलाने वाले, उनका संयोग कराने वाला, वो गुरु का ये दर्जा होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मुझे पाने के लिए आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु को परमात्मा मानकर आपका बोलना, चालना, बैठना, उठना, आपकी जो लगाव, आकर्षण जो गुरु में होगा वो परमात्मा में ही माना जाएगा। मान लीजिए परमात्मा इस दास के रूप में स्वयं ही आ जाए, या वो स्वयं ही जैसा हम उनका स्वरूप देखते हैं उस रूप में आकर भी यहाँ पर रहने लग जाए, तो आपका कैसा व्यवहार होगा? मान लीजिए कबीर परमात्मा अब आ जाए और वो दो चार वर्ष यहाँ रहें इस आश्रम में, तो फिर भी आप घर भी जाओगे, काम भी करोगे, फिर भी आओगे, जाओगे, आओगे, लेकिन आप कैसा व्यवहार करोगे ये आप सोचो, कैसा करोगे? तो वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बर्ताव आपने इस दास के साथ करना होगा, ताकि जिस समय हम परमात्मा के सामने वहाँ प्रत्यक्ष होंगे, आमने सामने होंगे, फिर हम कैसा व्यवहार करेंगे, जैसा यहाँ अभ्यास कर रखा है ऐसा ही वहाँ होगा। एक दिन में नहीं ट्रेंड हो सकते कि भगवान आ गया तो हम सारी क्रिया एक दिन कर लेंगे, नहीं, हमने पहले से ही वो हर प्रकार बैठना, उठना, भाव, नम्रता, बोलना, सतगुर के दरबार में मेरी थर थर का पैदे,
ना जानो किसी बात पर मेरा टूट न जावे नेह। इतना डर लगे भगवान के दरबार में कि कहीं कोई ऐसी गलती बन जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे मेरा परमात्मा के प्रति प्यार न्यून हो जाए, कम हो जाए। इसलिए थर थर कांपता रहता हूँ। परमात्मा हमें बता रहे हैं तुमने ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बर्ताव करना है, ऐसा स्वभाव बनाना है। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर, ये मान लीजिए गुरु जी के रूप में कबीर जी बैठे हैं, तो फिर आप उस जिस परमात्मा के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक अपना शरीर गाड़ दिया, कथित शरीर फूंक दिया, उल्टे लटक गए शेख फरीद जी जैसे, और जो भगवान सामने हो तो फिर हम क्या करेंगे? इस शरीर को, इस अभिमान को हम नहीं देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, इस शरीर को मिट्टी देखेंगे। जिसके लिए ये शरीर मिला था वो सामने हमें मिल गया तो फिर हम केवल उसी को देखेंगे। अपना अस्तित्व मिटा देंगे, भूल जाएंगे हम सेठ हैं, साहूकार हैं, हम कोई अफसर हैं या राजा हैं, नहीं, हम कुछ नहीं हैं, दो कौड़ी के जीव हैं। आज शरीर छूट जाएगा, फिर गधे बने पावांगे। इन दुखों को याद करके हम परमात्मा को विशेष सत्कार और आदर देंगे। तो कहते हैं परमात्मा पाने का मुख्य तरीका है प्रथम गुरु हो, ये विधि है और कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। कहते हैं आप एक गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसको हल करने के लिए उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, जबकि वो मूलधन करोड़ों रुपए में होता है, वो 100 रुपये वो मूलधन नहीं है, लेकिन मान के चलना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और 100 रुपये मूलधन मान करके फिर उसमें एक दर निकालनी होती है, वो समय या दर निकालना होता है, वो निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके हम उस ओरिजिनल वास्तविक मूलधन को प्राप्त कर लेते हैं, और 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। इसलिए मान लीजिए गुरुजी भगवान हैं, ओरिजिनल नहीं है सपोज कर लीजिए, और इस सपोज करने से, मान लेने से आपको वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर देव मिलेगा। बिन गुरु मिले मोहे ना पावे, जन्म जन्म बौद्धक के खावे। अब क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहरा ही, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तीन गुरु बंद की न निज का जा। गई भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय दरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु के प्रति कभी कपट युक्त बातें नहीं करे, ना ही गुरु की निंदा करे, ना सुने। सुनने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके गुरुजी के बारे में कोई उठपटांग या दुनिया बांडा थी, जैसे शनिपात के जबर में मरीज बांडा करे, ना जाने उसने क्या बांडा, क्या कह रहा है तू। ऐसे ही ये भ्रमित किया हुआ समाज, उन स्वार्थी लोगों के द्वारा मिसगाइड किया हुआ, ना जाने क्या क्या बोल रहा था, तो उनके मुंह को बंद नहीं कर सकते हम। हम अपने कानों को बंद नहीं कर सकते। क्या बताते हैं, आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।